हमें वो वेब सीरीज पसंद आती है जो फ्रेश और यूनिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो और जिसे देखने के बाद धीरे धीरे उसका असर दिमाग से दिल में उतर जाए। हेलो गाइस, वेलकम टू फिल्मी म्यूटेंट। आज कुछ ऐसी ही माइंड ब्लेंडिंग यूनिक वेब सीरीज के बारे में जानेंगे जिसे एक बार देखना शुरू करने के बाद शायद ही आप उसे पूरा देखे बिना उठोगे। हर सीरीज में क्या अच्छा है और क्या बुरा, और साथ ही साथ वो कहां और किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, और फैमिली के साथ देख सकते हैं या नहीं, ये जानेंगे। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं टॉप 5 माइंड ब्लेंडिंग वेब सीरीज। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5 पर है होमकमिंग। 2 सीजन और टोटल 17 एपिसोड के साथ Amazon प्राइम पे इंग्लिश में अवेलेबल। होमकमिंग एक ऐसी सीरीज है जो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देगी। सस्पेंस, परफेक्ट स्टोरी लाइन, इमोशन, और सबसे बेस्ट जो बात है इस सीरीज की वो है इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट। इन शॉर्ट, अगर बात करें तो होमकमिंग एक प्रोग्राम है जो रिटायर्ड और इंजर्ड US आर्मी के सोल्जर्स को सिविल लाइफ से फेमिलियर करने में हेल्प करता है, और इसी ट्रीटमेंट के पीछे की स्टोरी है होमकमिंग। इस सीरीज में 2 टाइमलाइन एक साथ चलती है, लेकिन यकीन मानिए ये आपको कहीं से भी कंफ्यूज नहीं करती। और जहां तक बात करें सस्पेंस की, तो सीरीज के हर एपिसोड में एक सस्पेंस खुलता है और दूसरे एपिसोड के सस्पेंस के लिए आपको प्रिपेयर भी करता है। फर्स्ट सीजन जरूर थोड़ा आपको बोर करेगा, लेकिन वो बोरियत बस कुछ देर के लिए ही रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे के एपिसोड्स देखोगे आप सारे स्लो सीन्स भूलते जाओगे। सीरीज डेफिनेटली फैमिली के साथ देख सकते हो। नंबर 4 पर है स्पेस फोर्स। 1 सीजन 10 एपिसोड्स। अगर आप सिटकॉम शो द ऑफिस और स्टीव कैरल के फैन हो तो ये सीरीज स्टीव कैरल और ग्रेग डेनियल्स के पॉकेट से निकला एक रॉकेट है जो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। स्पेस फोर्स सुनते ही हमारे माइंड में एक ही बात आती है कि ये एक स्पेस वॉर से रिलेटेड कोई सीरीज है, पर सीरीज में स्टीव कैरल को देखने के बाद आप अपना मन बदल लोगे और तैयार हो जाओगे सिटकॉम के लिए। स्पेस फोर्स सीरीज की स्टोरी आज के टाइम की जियोपॉलिटिक्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। सीरीज की स्क्रिप्ट मुझे उतनी दमदार नहीं लगी, लेकिन करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही रियलिस्टिक वे में दिखाई गई है। कहीं कहीं पे आपको ये द ऑफिस की रिप ऑफ लगेगी, लेकिन जिस तरह से करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को फनी वे में हमारे सामने रखा है वो इस सीरीज को माइंड ब्लेंडिंग बनाता है। तो आपको जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड से रूबरू होना है तो ये सीरीज मस्ट वॉच है। सीरीज में कोई एडल्ट सीन नहीं है, इसलिए फैमिली के साथ ट्राई कर सकते हैं। नंबर 3 पर है मॉडर्न लव। 1 सीजन 8 एपिसोड्स, अवेलेबल ऑन Amazon प्राइम एंड इंग्लिश विद हिंदी सबटाइटल्स। अगर आपको वही टिपिकल सीरीज देख के सैचुरेशन सी आ गई है और कुछ सिंपल पर रियलिस्टिक देखना है विद गुड क्लाइमेक्स, तो ये सीरीज परफेक्ट है। मॉडर्न लव सीरीज रिलेशनशिप के अलग अलग डायमेंशंस को टच करती है, और इसमें दिखाई गई सभी स्टोरीज रियल लाइफ स्टोरीज पर बेस्ड है जो द न्यूयॉर्क टाइम्स के वीकली मॉडर्न लव कॉलम में प्रिंट हुआ करती थी। ये सारी स्टोरीज ऐसी है जो स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करती है और ह्यूमंस अलग अलग सिचुएशन में कैसे डिफरेंटली बिहेव करते हैं वो शो करती है। सीरीज में एक गुड स्क्रिप्ट और स्ट्रॉन्ग एक्टर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये दोनों आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। एने हैथवे, देव पटेल, एंड्रू स्कॉट जैसे एक्टर जब स्क्रीन पे देखने को मिले तो मजा अपने आप ही दुगना हो जाता है। मॉडर्न लव सीरीज होमोसेक्सुअलिटी, मेंटल इलनेस, रेशियल इक्वालिटी को अपने रिस्पेक्टिव कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही अच्छे से शो करती है, और तो और प्यार का रियल मीनिंग भी आपको सिखाती है। किसिंग सीन को छोड़ के कोई एडल्ट सीन नहीं है, इसलिए फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पर है अपलोड। 1 सीजन 10 एपिसोड के साथ अवेलेबल ऑन Amazon प्राइम इन इंग्लिश विद हिंदी सबटाइटल्स। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप मरने के बाद कैसी लाइफ जीना चाहोगे, तो समझ लेना कि ये अपलोड सीरीज देख के ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। इस साईफाई जॉनरा की सीरीज आपको फ्यूचर में लेके जाएगी जहां लोग मरने से पहले अपने आप को दूसरी दुनिया में अपलोड कर सकते हैं। रियल लाइफ के जैसे ही उस वर्चुअल दुनिया में भी सब कुछ पैसे पे चलता है, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा मौज। सीरीज का कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा नया नहीं है, इससे पहले द गुड प्लेस, द डाउनसाइजिंग और नेटफ्लिक्स की ऑल्टर्ड कार्बन जैसी सीरीज में भी देखने को मिला है। लेकिन अपलोड मुझे डिफरेंट इसलिए लगी क्योंकि शो के डायरेक्टर और राइटर ने कॉमेडी, सस्पेंस और इमोशन का जो बैलेंस तड़का लगाया है वो सच में काबिले तारीफ है। अगर आप कोई ऐसी सीरीज ढूंढ रहे हैं जिसमें इमोशन, सस्पेंस और कॉमेडी का तड़का है, तो जाइए प्राइम वीडियो पे और अपलोड कर लीजिए खुद को वर्चुअल वर्ल्ड में। कुछ एडल्ट सीन्स होने के कारण सीरीज 18+ है। नंबर 1 पर है मैनिफेस्ट। 2 सीजन, टोटल 29 एपिसोड इंग्लिश में Amazon प्राइम पर अवेलेबल। ये सीरीज आपको एक ऐसी प्लेन में ट्रेवल पे ले जाती है जो है तो सिर्फ 3.5 घंटे की, लेकिन जमीन पर लैंड आप 5 साल बाद करोगे। स्टोरी कुछ ऐसी है कि 191 पैसेंजर्स एक फ्लाइट को बोर्ड करते हैं जो होती है 3.5 घंटे की, बट जब वो फ्लाइट लैंड करती है तो 5 साल बीत चुके होते हैं, और यहाँ से कहानी आगे प्रोग्रेस करती है। और ये सारे पैसेंजर्स कोशिश करते हैं सेटल होने की उस सोसाइटी में जिसने उन्हें डेड मान लिया था। सीरीज थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और ट्विस्ट और टर्न्स तो बहुत जगह है, लेकिन सभी एक्टर्स की एक्टिंग आपको एंड तक हुक करके रखेगी।
स्टोरी का प्लॉट बहुत ग्रिपिंग है। हाँ, कहीं कहीं पे कुछ सीन्स जबरदस्ती घुसाए गए हैं और खींचे हुए भी लगते हैं, लेकिन सुपरनेचुरल सस्पेंस ड्रामा को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करती है ये सीरीज। ये सीरीज आपको वीकेंड के लिए फैमिली के साथ एक परफेक्ट बिंज वॉच है। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ऐसे ही माइंड ब्लेंडिंग मूवीज एंड वेब सीरीज की लिस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।